इंडिया वीमेंस वर्सेस यूएसए वीमेंस के साथ आज मैच खेला जाएगा और वीमेंस क्रिकेट में ग्रैंड लीग जीतना आसान होता है और ख़ास करके आज वाला जो मैच है ना इसमें ग्रैंड लीग जीतना बहुत ही आसान होगा क्योंकि इंडिया वन साइड जीतेगा। और आपको बता दूं आप स्मॉल लीग पे ज़्यादा फोकस मत करना, ग्रैंड लीग पे ज़्यादा फोकस करना क्योंकि स्मॉल लीग पे पता है सिर्फ 10-20 पॉइंट का अंतर होता है। अगर आपका वाइस कप्तान थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो आप वन साइडेड जीत जाओगे, अगर आपका वाइस कप्तान ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो आप वन साइडेड हार भी सकते हो स्मॉल लीग। लेकिन ग्रैंड लीग भाई अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो में भी गिवे है और वही वॉच मिलेगा जो वॉच मैं खुद पहनता हूँ और एयरड्रॉप मिलने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लेना, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी ग्रैंड लीग पर्पस से ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है ग्रैंड लीग पर्पस से, और स्मॉल लीग में भी आपको बता दूंगा वाइस कप्तान कौन रहेगा जिसके कारण आप जीत सकते हो। कैप्टन तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, पूरा दुनिया का कैप्टन दीप्ति शर्मा होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया वीमेंस पहले बॉलिंग करती है तो मैं आपको बता दूं दीप्ति शर्मा से ज़्यादा भी आपको बॉलर्स अदर बॉलर्स पॉइंट देके जाने वाली है, जिनमें से पिछले मैच में राधा यादव ने विकेट नहीं लिया था फिर भी उसने 30 से प्लस पॉइंट दिया था और हो सकती है कि आज वो ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकती है या श्रियंका पाटिल या रेणुका सिंह ठाकुर, कौन सी प्लेयर होगी वो सब कुछ आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी अगर इंडिया वीमेंस पहले बैटिंग करती है तो शेफाली वर्मा और मंदना तो सबके टीम में होगी, लेकिन हेमलता और हरमीत कौर परफॉर्मेंस कैसा करेगी वो बहुत खास रहने वाला है। तो सारे टिप्स ट्रिक आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, वीडियो को पूरा देखना। मैच दोपहर में है, 2 बजे मैच खेला जाएगा तो आपके पास टाइम उतने होंगे नहीं, आपके पास जितने भी टाइम होगा तो आप वीडियो को अच्छे से बारीकी समझना, बहुत लंबा वीडियो नहीं है क्योंकि विमेंस मैच में उतने खतरनाक टाइप का प्रेडिक्शन नहीं होता है, लेकिन सटीक प्रेडिक्शन हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपको वन साइड जिता सकता है और कुछ ऐसे प्लेयर के बारे में कैप्टन वाइस कप्तान के बारे में बताऊंगा जो आपको ग्रैंड लीग भी जिता सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। और आपके लिए मैं स्टूडियो आया हूँ, वरना उसके पहले आपने देखा होगा जो पहला हमने मैच कवर किए थे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान वीमेंस का जो मैच, वो स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो था। ये है हमारा फेस के साथ वीडियो, पैनल पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए और इस बात पे एक लाइक बनता है क्योंकि हम आपके लिए फ्लाइट से ट्रेवल करके आते हैं वीडियो शूट करने के लिए, इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए, तो इस बात पे एक लाइक बनता है। तो आप आज का लाइक का एम है, टारगेट है 10,000, देखते हैं आप लोग 10,000 लाइक पूरा करते हो। अगर आप लोग करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक और गिवे एड ऑन कर देंगे, ठीक है। चलिए इंडिया वीमेंस वर्सेस यूएई वीमेंस के साथ आज मैच खेला जाएगा दोपहर में, ठीक है। टाइम यहाँ पे गलत लिखा, 7 लिखा, 2 बजे मैच होगा, ओके। पसीने से हो गया हूँ मैं लथपथ। आपको बता दूँ हमारे टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पे ही आपको स्मॉल लीग का टीम, प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, ठीक है, टिप्स ट्रिक, बाकी हम आपको फाइनल स्मॉल लीग टीम, ग्रैंड लीग टीम जो भी हम प्रोवाइड करते हैं फ्री आपको सब कुछ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? सबसे आसान तरीका है वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक पिन करके दे दूंगा, ठीक है। आप जाओ के क्लिक करना, हमारे टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे, वरना आप स्कैन करके और सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो आपके सामने पसीना, आप देख सकते हो, देखो कितना पसीना टपक रहा है। गर्मी में हम आपके लिए वीडियो शूट करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। तो गिवे आज के वीडियो में भी है, क्या मिलेगा? स्मार्ट वॉच और बोट का एयरड्रॉप मिलेगा सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करने पे। थैंक यू कुमार 508 फॉर द गिव अवे गिफ्ट। आप भी गिव अवे गिफ्ट जीत सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मुझे भी गिव अवे तभी मिला है जब मैंने पूरे वीडियो को देखा, उस पर लाइक किया, कमेंट किया और उसको शेयर किया। वंस अगेन थैंक यू सो मच जितेंद्र भैया एंड गौतम भैया फॉर द गिव अवे गिफ्ट। जितना हो सके उतने लाइक करो और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब नहीं, कमेंट करने पे, ठीक है। जितना हो सके उतने कमेंट करो, अनलिमिटेड कमेंट करो। मैच के स्टार्ट होने से पहले, डेडलाइन होने से पहले आप जितना कमेंट कर सकते हो अनलिमिटेड कमेंट करो। 4 विनर बनेगा आज के वीडियो में, 4 गिवे है तो आप ये गिवे जीत सकते हो।
जो इंडिया और पाकिस्तान वीमेंस का मैच था उसमें हमने आपके लिए 4 गिवे रखा था। आप देख सकते हो अरुण 13 मतलब अरुण 1300 TH जो है वो विनर बना था। और बेस्ट प्रिडिक्शन है भाई, आपकी बेस्ट टीम देते हो, ये वॉच जीता है। उसके बाद टॉप क्वालिटी कुमार चैनल जैसे डेली गिवे होता है, ठीक है, और मैचेस जीतते हैं, बेस्ट एनालिसिस होता है। भाई आप बहुत मेहनत करते हो, आपके जैसा ही प्रिडिक्शन कोई नहीं देता है, ठीक है। तो इस बंदे ने बोर्ड का एयरड्रॉप जीता, इसका नाम है नीतेश 087824 सॉरी, और यहाँ पे था सागर कनक K90। और यहाँ पे जो जीता है भाई हमको भी गिवे, अच्छा भाई हमको भी गिवे बना दो, IPL में नहीं बनाएं, वर्ल्ड कप में नहीं बनाएं, प्लीज़ अभी एशिया कप में ही बना दो, प्लीज़ 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 बना दो विनर, ठीक है, प्लीज़ प्लीज़। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया, देखो सौरभ गढ़वाल करके है ये, तो मैंने इनको गिवे विनर बना दिया क्योंकि ये IPL वर्ल्ड कप में भी कमेंट किया था काफ़ी, और इसने यहाँ पे भी कमेंट किया, इसको 8 लाइक मिला, लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। भाई जब लोग इनको सपोर्ट कर रहा लाइक कर रहा है कि भाई ये विनर बनना चाहिए, तो ऐसे भी बंदे को मैं विनर बना देता हूँ जो कंटिन्यू कमेंट करते हैं, तो उनको भी मैं विनर बना देता हूँ। IPL में भी हमने आपको 10-10 20-20 जहाँ तक 30-30 एक एक मैच में गिवे हम देते थे, एक एक मैच में 30 गिवे भी दिए हैं हम आपके लिए एक मैच में सिर्फ। तो अभी तक आपको टोटल बहुत सारे लोगों को गिवे दे चुका हूँ, तो जितना हो सके उतना कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करना अनिवार्य है। और हाँ, अपने कमेंट के नीचे अपना फ़ोन नंबर, अपने जस्ट अपने कमेंट, किसी और के कमेंट नहीं, अपने कमेंट के नीचे अपना फ़ोन नंबर डाल देना, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगा और आपके घर स्मार्ट वॉच या बोट का एयर ड्रॉप जो भी जीतोगे वो पहुँच जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैच डम्बुला में होगा, मुझे लगा है लगातार मैचेस यहीं पे होगा, बैलेंस क्रिकेट सरफेस है, बैलेंस पिच है, जहां तक कि यहां पे आपने रिसेंट मैच में देखा होगा कि इस स्पिनर को यहां पे वो हेल्प मिलता है, लेकिन जो पहला मैच हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का उसमें वो हवा बहुत ज़्यादा तेज बह रही थी, ठीक है, और जिसके कारण आपने देखा होगा, वैसे हवा तेज बहने से यानी कि पेसर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है, लेकिन थोड़ा तो हेल्प मिलता है, तो वहाँ पे पेसर्स को हेल्प मिला था जिसमें रेणुका सिंह ठाकुर ने अच्छा परफॉर्मेंस की थी और श्रृंका पाटिल ने अच्छा परफॉर्मेंस की थी, लेकिन यहाँ पे हो सकती है आज के मैच में राधा यादव भी परफॉर्मेंस करे। तो आपको बता दूँ वैसे बैलेंस पिच है, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बैलेंस पिच है यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ, और टीम इंडिया ही जीतेगी, तो आपको टीम इंडिया के ही फेवर में टीम बनाना है। मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग समझा दे रहा हूँ, अगर टीम इंडिया बैटिंग करती है तो परसेंटेज बढ़ जाएगा, लेकिन फिलहाल ये परसेंटेज आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फास्ट बॉलर, अगर फास्ट बॉलर की बात करते हैं ये नहीं ये परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप बात कर लेते हैं यहाँ पे जो 50% है वो बैटिंग डिपार्टमेंट को हेल्प मिलेगा 50% अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, वरना ये बॉल ये आ जाएगा स्पिनर पे, ठीक है। उसके बाद देखो ये है जो आपको 35% दिख रहा है, ठीक है, ये जो 35% आपको दिख रहा है ये मिलेगा स्पिनर को हेल्प, बाकी 85-90-15% जो बच रहा है ये फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगा, लेकिन अगर टीम इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो ये आ जाएगा स्पिनर, ये आ जाएगा बैटिंग डिपार्टमेंट और ये आ जाएगा फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट, ठीक है। टोटल 6 मैचेस हुआ है जिसमें कि सेकंड बैटिंग करने वाला यहाँ पे 4 बार जीता है 4 बार, और इंडिया ने यहाँ पे जो हाईएस्ट रन बनाए थे वो 138 रन 6 विकेट गवा के, और ठीक है एवरेज 134 रन है, स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे 150 से नीचे ही रन बनता है, ये चीज़ ध्यान देना। और बाकी जो टॉस और पिच अपडेट होगा वो हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। बाकी देखो अगर 4 मैच का रिकॉर्ड की बात करते हैं तो स्पिनर वर्सेस पेसर्स में अगर देखोगे तो स्पिनर को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिला है, नो डाउट 25 विकेट स्पिनर को, पेसर्स को सिर्फ 15 विकेट मिला है, जिसमें कि अभी थाईलैंड वीमेंस वर्सेस मलेशिया वीमेंस का मैच हुआ था जिसमें कि अगर देखोगे विकेट दोनों तरफ से गिरा, इसका भी 6 विकेट इसका 8 विकेट गिरा है, 5 विकेट लिया था फास्ट बॉलर ने, स्पिनर को मिला था 7 विकेट। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया वीमेंस का मैच हुआ था जिसमें 4 विकेट लिया था फास्ट बॉलर ने और स्पिनर को मिला था 5-6-7-8 विकेट स्पिनर को मिला था। उसके बाद UAE और नेपाल का मैच हुआ था जिसमें कि 6 विकेट और 4 विकेट फास्ट बॉलर और स्पिनर को मिला था 6 विकेट। उसके बाद इंडिया और श्रीलंका वीमेंस का मैच हुआ था जिसमें कि यहाँ पे 4 विकेट और 2 विकेट, ठीक है, ये कुछ स्टोरी है।
और अगर विकेट की बात करते हैं तो अच्छे खासे विकेट गिरता है, अच्छे खासे विकेट, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना विकेट गिरा है, 14 विकेट गिरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान मैच में देखोगे तो 10 और 3 13 विकेट गिरा है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे यूएई और नेपाल के मैच में 8 16 विकेट गिरा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ था उसमें कि यहाँ पे 8 विकेट गिरा है, सिर्फ इसी मैच में कम गिरा था, लेकिन ये 2022 में हुआ था। उसके बाद 24-24 का मुकाबले में देखो, जो अभी रिसेंटली एशिया कप का मैच हुआ उसमें 14 16 और 13 तो विकेट गिर ही रहा है। मतलब ये समझ लो कि भाई साहब अगर इंडिया और यूएई का मैच है तो लगभग 12 विकेट गिरेगा, ठीक है। 8 विकेट बचता है क्योंकि 20 में से 12 घटेगा, तो 8 विकेट तो बैटिंग डिपार्टमेंट को भी हेल्प मिलेगा। बाकी फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के मुताबिक आपको बता दूं, जो पेसर्स है ना, पेसर्स 13 विकेट लिया है फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में सिर्फ 2 विकेट, और स्पिनर को दोनों इनिंग में बराबर विकेट मिला। मतलब पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में ज़्यादा विकेट मिलता है, ये चीज़ ध्यान देना। लास्ट 8-8 मैच की बात करते हैं, इंडिया वीमेंस और यूएई वीमेंस का मैच हुआ था, लास्ट 8-8 मैच ये हुआ था, मैच 2022 में, 4 अक्टूबर 2022 में, जिसमें कि दीप्ति शर्मा 64 रन और जमीमा रोंगरेस 75 रन की पारी खेली थी। गायकवाड़ ने 2 विकेट और 1 विकेट लिया था हेमलता ने, हेमलता बॉलिंग की थी यार, देखो हेमलता बॉलिंग भी की है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कैविसा जो है वो 30 रन की पारी खेली थी, खुशी शर्मा 29 रन की पारी खेली थी, और यहाँ पे गौर ने 1 विकेट, ठीक है, जिसमें कि इंडिया वीमेंस का 5 विकेट गिरा था, ये चीज़ ध्यान देना। अगर इंडिया वीमेंस पहले बैटिंग करती है तो 5 विकेट गिरा है इंडिया वीमेंस का, तो अगर इंडिया वीमेंस पहले बैटिंग करती है तो सिर्फ शेफाली वर्मा और मंदना को सिर्फ टीम में पिक मत करना, उसके साथ हेमलता और हम्पीत कौर को जरूर रखना, जहाँ तक कि रोंगरिस को भी अब रख सकते हो, जमीमा को भी रख सकते हो, ये चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे यूएई 20 ओवर में 74 रन बनाई थी और विकेट नहीं गवाई थी, विकेट नहीं गवाई है, मतलब भले जीते या ना जीते, देखो जीती नहीं है लेकिन विकेट भी नहीं गवाई है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग डिपार्टमेंट को हेल्प मिला है, समझ में आ रहा बात। यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप ग्रैंडली खेलते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई नहीं बताएगा। देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, अगर सेम टू सेम ये स्टोरी दोहराता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होगा कि पूरा दुनिया टीम इंडिया के बॉलर को, पांचों बॉलर को अपनी टीम में रखेगा, ठीक है, 5 बॉलर को रखेगा, ओपनर बैट्समैन को रखेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जमीमा रोंगरिस और हेमलता पे ध्यान नहीं जाएगा लोगों का, और हम्पीत कौर पे ध्यान नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो उनमें से किसी एक को पिक करेगा। तो वहाँ पे आप एक फ़ायदा उठा सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो, क्या फ़ायदा, अब आप इंडिया के बैट्समैन को पिक कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, माई 11 सर्कल आपके लिए फिर से ऑफर लेके आया है, भाई साहब आप लोग फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे हो, 5 रुपये में 5 टीम बनाने का मौका मिल रहा है यार, यही 5 टीम का आपको लग रहा है 245 रुपये, आप बताओ यार, आप लोग कहाँ 245 रुपये क्यों दोगे, मैं आपके लिए फ़ायदा लेके आया हूँ ना, आप फ़ायदा उठाओ ना, इतनी बड़ी एप्लीकेशन आपको फ़ायदा दे रही है, 245 रुपये में आप 5 टीम बनाते हो, और वहीं आपको 5 रुपये में 5 टीम बनाने का मौका मिल रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है बताओ। मैं आपको 5 रुपये में 5 टीम बनाने का मौका दे रहा हूँ, और जहाँ 245 रुपये लगेगा ग्रैंड लीग का टीम बनाओगे। अब बोलोगे इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, तो जाओ पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको माई 11 सर्कल का लिंक दे दिया हूँ, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब बोलोगे मेरे पास तो पहले से डाउनलोड है, तो भाई अगर आपके पास पहले से डाउनलोड है तो ये फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये उसी को फ़ायदा मिलेगा जो पहली बार डाउनलोड करेगा। अब आप बोलोगे मैंने तो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो पहली बार कैसे डाउनलोड करूं, तो भाई पहली बार डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपको दूसरा जीमेल, आजकल तो जीमेल बन जाता है, जीमेल दूसरे नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो, बना सकते हो साइन अप करके, ठीक है, या आप अपने दोस्त यार किसी के भी नंबर से डाउनलोड कर सकते हो। ये फ़ायदा उठाओ 5 रुपये में 5 टीम। अब एक और फ़ायदा क्या है, देखो अगर आप विनिंग जोन में आते हो, अगर मान लो आपके 5 टीम, अगर आप फर्स्ट नहीं भी आते हो, विनिंग जोन में आते हो, तो 245 रुपये आपको मिल जाएगा 5 रुपये की जगह 245 रुपये, ठीक है। अगर मान लो 4 टीम विनिंग जोन में रहा और एक टीम लॉस हुआ, फिर भी तो आपको कम से कम नहीं तो 200 के आसपास तो मिलेगा या आपको, ठीक है, ये आपको फ़ायदा मिल रहा है। बाकी अगर ग्रैंड लीग में फर्स्ट आ जाते हो तो वो तो आपके लिए किस्मत की बात है और एक्सपीरियंस की बात है, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा मिलेगा। तो इसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी SUV कार है फर्स्ट प्राइज में,
आप या अगर ग्रैंड लीग जीतते हो तो फर्स्ट प्राइज है, 1500 का बोनस है, उसके बाद 20% आपको एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफर मिल रहा है। मतलब अगर आप पहली बार डिपॉजिट करते हो डाउनलोड करके तो 20% आप जितना डिपॉजिट करोगे, मान लो 200 करोगे 240, 500 पे 600 और 1000 पे 1200, ये रियल कैश मिलता है। आप बोलोगे डिपॉजिट करके तुरंत विड्रॉ मारूं, ऐसा नहीं होता है, आपको फिर उसको खेलना पड़ेगा, विन करना पड़ेगा, चाहे स्मॉल लीग ग्रैंड लीग खेल के आपको विड्रॉ मार सकते हो। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि सेम प्लेइंग 11 होगा दोनों की तरफ से, कोई प्लेइंग 11 में चेंजेस नहीं होगा। राधा यादव पिछले मैच में 0 विकेट ली थी, बाकी सारे बॉलर ने विकेट लिया था, सारे बॉलर ने, कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जिसने कि 2-2 से कम विकेट लिया, जहां तक कि दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिया था, बाकी सिर्फ एक राधा यादव को छोड़ के। तो आपको बता दूं आज के मैच में लोग राधा यादव को रखेगा 100%, आपके सारे ओपोनेंट के पास राधा यादव होगा, लेकिन कोई भी वाइस कप्तान नहीं बनाएगा, जबकि ये डेथ में बॉलिंग करने आई थी पिछले मैच में। तो भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग ये ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकती है। बाकी बैटिंग अगर करे तो हेमलता आज के लिए इंपॉर्टेंट है, जमीमा रोंगरिस और हमपित कौर, ठीक है। इधर से बात कर लेते हैं, इधर से मैं तो ज़्यादा प्लेयर को नहीं रखूंगा, एक ही दो प्लेयर को रखूंगा, वो हम आगे आपको टीम में बता दूंगा, जिसमें कि खुशी शर्मा मुझे लग रही कि बैटिंग से आज ठीक ठाक पॉइंट देके जा सकती है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्रिडिक्शन पे, जिसमें कि अब हम यहां पे चलते हैं प्रेडिक्शन पे, जिसमें कि सबसे पहले इंडिया वीमेंस का स्मृति मंदना, मैंने क्लियरली बोला था कि स्मृति मंदना सेकंड इनिंग में अच्छा बैटिंग करती है। पिछले मैच में लोग ने स्मृति मंदना और शेफाली वर्मा को ड्रॉप करके आया था, जबकि मेरे स्मॉल लीग टीम में था, तो आज भी स्मृति मंदना इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे फर्स्ट बैटिंग करे सेकंड बैटिंग करे, आप इसको टीम में ले लो, लेकिन ये यूए के अगेंस्ट में आप देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन हाँ ठीक है ये 40 से प्लस पॉइंट देके जाएगी तो इंपॉर्टेंट है, हम टीम में लेके चलेंगे। उसके बाद शेफाली वर्मा की बात करते हैं, लेकिन आपको बता दूं यूएई का जो प्लेयर है ना वो जल्दी विकेट नहीं फेंकती है, वो चीज़ ध्यान देना आप, उसमें से आप कैप्टन भी बना सकते हो, चाहो तो मंदना को कैप्टन भी बना सकते हो, या तो वाइस कैप्टन बना के जा सकते हो, जो कि आपके लिए डिफरेंशियल पिक होगी। और यूएई के अगेंस्ट में कुछ नहीं, बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं आ पाया था, लेकिन इस वेन्यू पे 26 का एवरेज रिकॉर्ड है। उसके बाद शेफाली वर्मा की बात करते हैं, शेफाली वर्मा 23 का एवरेज रिकॉर्ड है इस वेन्यू पे, लेकिन पिछले मैच में 40 रन की पारी खेली थी, बॉलिंग तो नहीं करेगी लेकिन हाँ बैटिंग ठीक ठाक कर लेती है, ठीक है, तो स्मॉल लीग के लिए भी ठीक है, 35 से प्लस पॉइंट देके जाएगी, इंपॉर्टेंट है। हेमलता की बात करते हैं, आज के मैच में हेमलता इंपॉर्टेंट होगी, ये भी 30 से प्लस पॉइंट देके जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये कैचिंग एक दो कैच भी ले लेती है, फील्डिंग से भी पॉइंट देके जाएगी, इस वेन्यू पे 14 का एवरेज रिकॉर्ड है, और यूएई के अगेंस्ट में एक विकेट भी लिया था, 2 का एवरेज रिकॉर्ड है, रन ज़्यादा नहीं बनाते। जमीमा रोंगरिस की बात करते हैं, इसने यूएई के अगेंस्ट में एक ही मैच खेली थी, 75 रन की पारी, ठीक है, बहुत शानदार पारी खेली थी, और इस वेन्यू पे 25 का एवरेज रिकॉर्ड है, पिछले मैच में बैटिंग नहीं आ पाई थी, आई तो मतलब 3 रन, तो आज के मैच में जमीमा रोंगरिस फर्स्ट बैटिंग में इंपॉर्टेंट होगी, सेकंड बैटिंग में नहीं होगी, ठीक है, तो जहां तक कि जमीमा रोंगरिस को ड्रॉप पिक करके ही चलो। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगर इंडिया वीमेंस में देखोगे हमपित कौर, ठीक है, अगर पहले बैटिंग करे, अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करे तो बैटिंग आएगा, कन्फर्म बैटिंग आएगा, और मुझे लग रहा है कि 20 से लेके 25 रन शायद बनाते हुए आपको दिखाई देगा, ठीक है, पहले बैटिंग आए तो ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। ऋचा घोष की बात करते हैं, कन्फर्म ट्राई करो विकेट कीपिंग से, ये आज जरूर पॉइंट देके जाएगी, आज अगर बहुत लोग यूएई के विकेट कीपर को अपनी टीम में रख रही है, मतलब रख रहा है, आप ऋचा घोष को ही रखना अपने टीम में, ठीक है, रन पे मत जाओ क्योंकि ये रन नहीं बनाएगी, ठीक है, आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट देके जाएगी, मतलब फील्डिंग से पॉइंट देके जाएगी। दीप्ति शर्मा की बात करते हैं, ट्रम्प कार्ड, स्मॉल लीग में सबसे सेफ कैप्टन स्मॉल लीग में, पूरा दुनिया यूनिवर्सल कैप्टन होगा दीप्ति शर्मा, ठीक है, यूनिवर्सल कैप्टन होगा, रीजन आपको बता देता हूँ रीजन, लेकिन आपको बता दूं इस वेन्यू पे 4 मैच में 6 विकेट लिया इस वेन्यू पे, लेकिन यूएई के अगेंस्ट में ये एक मैच खेली थी, सिर्फ 64 रन की पारी खेली है और 0 विकेट, तो आप समझ रहे हो यूएई टीम के अगेंस्ट में दीप्ति शर्मा ने विकेट नहीं लिया था, मतलब नहीं ली थी, आप ये चीज़ ध्यान देना। दीप्ति शर्मा ग्रैंड लीग में अगर आप इसको वाइस कप्तान या कैप्टन नहीं बनाते हो तो हो सकता है कि आज आप वन साइड जीत सकते हो, तो वैसे स्मॉल लीग का यूनिवर्सल कैप्टन होगा, आप भी बनाओ, लेकिन भाई मैं थोड़ा सा रिस्क लेने वाला हूँ आज, थोड़ा सा रिस्क ये है
कि दीप्ति शर्मा को मैं कैप्टन वाइस कप्तान सिचुएशन के आधार पर बनाऊंगा। अगर पहले टीम इंडिया बॉलिंग करती है ठीक है तो मैं दीप्ति शर्मा को कैप्टन वाइस कप्तान बना सकता हूँ, लेकिन अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मैं दीप्ति शर्मा को कैप्टन वाइस कप्तान नहीं बनाऊंगा। समझ में आ रहा बात? बाकी एक विकेट शायद मुझे लग रही लेगी। पूजा वस्कर की बात करते हैं, एक मैच में 13 रन 0 विकेट, लेकिन इस वेन्यू पे इसने विकेट लिया है और अभी गजब के फॉर्म में है। ट्राई करो, इसको ड्रॉप मत करो, एक विकेट तो ले ही लेगी ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं श्रेयंका पाटिल यूएई के अगेंस्ट में खेली नहीं है और ये दत्त में बॉलिंग करती है। आज के मैच में 3 विकेट, बेस्ट कैप्टन आज के मैच में जीएल के लिए सबसे बेस्ट कैप्टन श्रेयंका पाटिल। मैं तो कैप्टन बोल रहा हूँ बनाने के लिए, कम से कम 5 टीमों में कैप्टन बनाओ श्रेयंका पाटिल को। आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो वन साइडेड। इस वेन्यू पे एक मैच में 2 विकेट, पिछले मैच में 2 विकेट लिया था। राधा यादव की बात करते हैं, बेस्ट कैप्टन आज के मैच में। पिछले मैच में राधा यादव ने विकेट नहीं ली थी, सिर्फ एक राधा यादव ने विकेट नहीं लिया, इसके अलावा सब ने विकेट लिया था ठीक है। लेकिन आज के मैच में 3 विकेट राधा यादव को मिलेगी, 3 विकेट ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ इसको कैप्टन जरूर बनाना आज। पिछले मैच में नहीं लिया था इसने, 3 विकेट भी लिया है गुच्छे में, जब लेती थी गुच्छे में। रेणुका सिंह की बात करते हैं, पिछले मैच में 2 विकेट, 4 मैच में 4 विकेट, इसको 1 विकेट मिलने वाली है ठीक है, मुश्किल से 1 विकेट मिलेगी। संजीव संजना, उमा छेत्री और अनुदत्ती रेड्डी ने अभी फिलहाल जो डब्ल्यू पी एल हुआ था ना उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी, अभी रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो अगर रेड्डी खेलती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हेड टू हेड में एक मैच में 1 विकेट इसने विकेट लिया है तो इम्पोर्टेंट होगी। बाकी आशा शोभना अगर खेलती है तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर, 2 विकेट इसके खाते में कन्फर्म आएगी। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वेन्यू पे विकेट लेस है, 3 मैच में 4 विकेट और रिसेंट फॉर्म 2 मैचों से विकेट नहीं लिया था, लेकिन उसके पहले 2 विकेट इसके गुच्छे में इसके खाते में आई है। अब यहाँ पे बात कर लें यूएई का ही प्लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको ग्रैंड लीग यूएई के प्लेयर ही जिता सकती है। सबसे पहले ईसा, रोहित ओझा, अगर इसका परफॉर्मेंस की बात करते हैं पिछले मैच में 10 रन बनाए थे ठीक है, उसके पहले 66 रन 2 विकेट, 29 रन 66 रन और 13 रन, स्मॉल लीग के लिए बेस्ट है और ग्रैंड लीग के लिए भी बेस्ट है। अब बोलो क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग करेगी और ओपनिंग बैट्समैन कितना भी खराब हो कुछ ना कुछ 10-15-20 रन बना देती है, तो मुझे लगा कि ये 25 के आसपास आपको पॉइंट देने वाली है ठीक है, उससे प्लस भी दे सकती है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। बाकी टी सतीश की बात करते हैं, इसका रिकॉर्ड उतने खास नहीं है, लेकिन इसने कई मैचों में अच्छे परफॉर्मेंस भी किए हैं, 44 और 36 रन की पारी खेली है। मतलब मुझे लग रहा है कि अगर टीम इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो आप यूएई के बॉलर को मत लग रखना, आप फिर यूएई के बैट्समैन को ही ट्राई करना, आपके लिए बेटर होगा। मतलब अगर यूएई पहले बैटिंग करती है, फर्स्ट बैट करती है, तो आप इसके बैट्समैन को ही रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं आर रंजीत की बात करते हैं, इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, 6 का एवरेज रिकॉर्ड इस वेन्यू पे एक मैच के लिए, लेकिन इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फ्लॉप मुझे लग रही है ठीक है। और फ्लॉप भी जाएगा क्योंकि टीम इंडिया के साथ मैच है, जो कि एशिया कप 7 बार जीती है, 7 बार, 1 बार सिर्फ बांग्लादेश जीती है, बाकी हर बार एशिया कप टीम इंडिया जीती है। और कविशा की बात करते हैं, कविशा अगर देखोगे ना 22 का एवरेज रिकॉर्ड है, टीम इंडिया के अगेंस्ट में 30 का एवरेज रिकॉर्ड है, 3 विकेट 22 रन 1 विकेट 17 रन, कविशा ठीक है, डेथ में भी बॉलिंग करती है, इम्पॉर्टेंट है और मुझे लग रही है कि ये आपको 40 के आसपास पॉइंट दे सकती है कविशा, आप इसको लेके चलना कविशा को ठीक है, ट्राई कर लेना। क्योंकि देखो एक तो 4 नंबर पर बैटिंग आएगी, मान लो धनाधन विकेट भी गिरा तो ये थोड़ा सा संभल के खेलेगी और थोड़ा सा बॉलिंग से भी उम्मीद रख सकते हो, थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा रख सकते हो, क्योंकि 30 का इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है इंडिया के अगेंस्ट में, इसने 30 रन की पारी भी खेली है। बाकी यहाँ पे सेमेरा की बात करते हैं, सेमेरा विकेटलेस रही थी, 13 का एवरेज रिकॉर्ड इसका रिकॉर्ड, ये बॉलिंग बहुत अच्छा कर लेती है, लेकिन वही बात है कि इंडिया विमेंस इतनी जल्दी विकेट फेंकने वाली नहीं है, तो सेमेरा को जीएल में आप ट्राई कर सकते हो, मेगा कॉन्टेस्ट में इसको जीएल में ट्राई कर सकते हो। बाकी खुशी शर्मा इंपॉर्टेंट है, अब बोलो क्यों? क्योंकि टीम इंडिया के अगेंस्ट में इसने 29 रन की पारी खेली है, इस वेन्यू पे 36 के एवरेज रिकॉर्ड है, पिछले मैच में इसने 36 रन की पारी खेली है, उसके पहले 22, आप एक चीज़ देखो इसका नोटिस करो, ये ठीक ठाक रन बना रही है ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि 15-20 रन तो मान के बना ही देगी, ये 15-20 रन ये बना ही देगी ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्मॉल लीग टीम में भी ट्राई किया है। लवान्या की बात करते हैं, आप इसको फ्लॉप मानो,
पिछले मैच में इसने विकेट ली थी लेकिन फ्लॉप माने उसको। वैष्णव महेश, देखो इसको ना पूरा दुनिया 70% लोग का सिलेक्शन था ये, ठीक है, क्योंकि एक मैच में विकेट लेस गई है ये पिछले मैच में इंडिया के अगेंस्ट में विकेट लेस, और उसके पहले इसने दो विकेट लिया था, यहाँ पे विकेट लेस है, यहाँ पे जीरो, दो विकेट जीरो, ये जब भी विकेट लेती है दो विकेट वरना जीरो विकेट, दो विकेट वरना जीरो विकेट, तो ऐसा अभी स्टोरी चल रहा है, जीरो दो जीरो दो जीरो दो, क्या यहाँ दो होगा लगता है, मुझे लग रहा है कि पहले बॉलिंग करेगी तो शायद एक विकेट ले भी जाए, लेकिन मेरे को एक फ्लॉप लग रही है। यहाँ पे बात करते हैं नंदा कुमारी, आई नंदा कुमारी, इसका रिकॉर्ड बेकार है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हीना की बात करते हैं, हीना 9 की एवरेज रिकॉर्ड, पिछले मैच में 9 रन 2 रन, यहाँ पे 2 विकेट, यहाँ पे 1 विकेट, और टीम इंडिया के अगेंस्ट में खेली नहीं है, तो इंडिया के अगेंस्ट में खेली नहीं है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और टीम इंडिया जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ फंसता है, तो मुझे ऐसा लग रही है कि हीना को जीएल में ट्राई करना चाहिए, एक विकेट इसके खाते में मुझे लग रही मिलेगी, जो कि कम से कम 40 के आसपास ये पॉइंट दे सकती है, जो कि ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर है और टीम इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ फंसती है, तो पहले बॉलिंग करे तो हीना को जीएल में रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी रितिका की बात करते हैं, रितिका रंजित, जिनका रिकॉर्ड 4 मैचों से विकेट लेस है, एकदम 6 मैच में विकेट लेस है, पता नहीं इसको क्यों खिला रही है, कई बार ऐसे प्लेयर जो 1% सिलेक्शन है ना वो कई बार जीएल जिता देते हैं। बाकी एस कोटे, रिशिता और नेहक की बात करते हैं, नेहक ठाकुर जिनका रिकॉर्ड बेकार है, किसी का रिकॉर्ड मेरे को बेटर नहीं लगा, हाँ ये हेड टू हेड में इंडिया के अगेंस्ट में एक चीज़ याद रखना, एस कोटे जो है ना वो एक मैच में एक विकेट लिया है इंडिया के अगेंस्ट में, तो ये चीज़ ध्यान देना, इसने इंडिया का विकेट लिया है। चलिए मेरा टीम देखिए, मैंने क्या टीम बनाया आपके लिए, तो अगर आप हमारी टीम देखते हो जिनमें से आपको पूरे के पूरे ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, मतलब ये समझ लो कि मैं पूरे के पूरे टीम इंडिया को सपोर्ट किया हूँ और टीम इंडिया ये जीतेगी, लगभग 100% टीम इंडिया ये मैच जीतेगी, अभी तक मैंने 100% नहीं लिखा था ना, अभी तक आईपीएल में 90% 85% 70% ऐसे लिख रहा था, यहाँ पर मैं 100% लिख रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब टीम इंडिया जो है ना एशिया कप का भी ये नोवा मैच है, नोवा मतलब सीरीज है, 7 बार तो टीम इंडिया ही जीती है, 7 बार जीती है एशिया कप, तो टीम इंडिया वो भी यूएई के साथ, तो भाई आपको पता है ना, तो टीम इंडिया ही जीतेगी, जिसमें रिचा घोष विकेट कीपिंग में रखने का रीजन ये है कि रिचा घोष आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट देके जाएगी, बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। मंदना है, शेफाली वर्मा, हेमलता को रखने का रीजन है क्योंकि वन डाउन बैटिंग करने आती है, और यूएई का बॉलर एक ना एक विकेट लेगी, हेमलता इंपॉर्टेंट होगी, जहाँ तक कि अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आप एक काम कर सकते हो, जमीमा रोंगनेस या हंपित को, दोनों में से जो भी पहले बैटिंग आए आप उसको अपनी टीम में जरूर रखना। बाकी दीप्ति शर्मा, पूजा वस्कर और राधा यादव और रेणुका सिंह ठाकुर और श्रृंका पाटिल, देखो मैंने यहाँ पे वाइस कप्तान बनाया है राधा यादव को, ठीक है, क्योंकि कोई भी नहीं सोचेगा राधा यादव के बारे में, क्योंकि पिछले मैच में इसने 0 विकेट लिया था, और जहाँ तक कि स्पिनर के खिलाफ ना यूई के बॉलर ना मतलब बैट्समैन वो विकेट फेंकती है और खास करके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन श्रृंका पाटिल भी आज इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग फेंकने आती है, मुझे लग रहा है कि श्रृंका पाटिल को ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना चाहिए, और जहां तक कि स्मॉल लीग में दीप्ति शर्मा को मैं कैप्टन बनाया हूं उससे बेटर मुझे श्रृंका पाटिल लग रही है। अब बोलो क्यों, क्योंकि दीप्ति शर्मा ने यूई के अगेंस्ट में 0 विकेट लिया है और श्रृंका पाटिल अभी तक खेली नहीं है यूई के अगेंस्ट में, और पिछले मैच में तहलका मचाई थी, दत्त में बॉलिंग करने आती है, तो हो सकती है कि श्रृंका पाटिल और ज़्यादा ट्रम्प कार्ड हो सकती है, लेकिन राधा यादव को मैं वाइस कप्तान कंफर्म रखने वाला हूं अगर पहले टीम इंडिया बॉलिंग करे, क्योंकि राधा यादव को आज विकेट मिलेगा और जहां तक कि 2 से प्लस विकेट मिलेगा। बाकी यूएई की तरफ से देखो मैंने यहां पे 2 ही प्लेयर को रखा है, ठीक है, दोनों प्लेयर में से दोनों इंपॉर्टेंट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेगी, लेकिन जहां तक कि अगर आप चाहते हो थोड़ा सा देखो कविसा को तो मैंने रखा है क्योंकि कविसा का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वहीं अगर बात कर लेते हैं हीना को अगर आप अपने टीम में ट्राई करना चाहते हो कर लेना, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है और कई बार टीम इंडिया ना लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ विकेट फेंक देती है, ठीक है, तो वो वहाँ पे एक जीएल के लिए आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाएगी, और यहाँ पे अभी महेश ये भी आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाएगी, और ईशा रोहित अगर टीम इंडिया पहले बॉलिंग करती है ना तो आप ईशा रोहित के साथ भी जा सकते हो, ओझा के साथ, ठीक है, जो कि टीम के कैप्टन है और ठीक ठाक बैटिंग कर लेती है, तो ये है जीएल के लिए तीन प्लेयर जीएल के लिए आपको बता दिया। बाकी देखो ये टीम मैं माई 11 सर्कल ऐप पे बनाया हूँ,
जहाँ पे ₹5 में पेंटिंग बना सकते हो, उसका लिंक ऊपर आपको फर्स्ट कमेंट में नीचे फर्स्ट कमेंट में आपको दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, वहाँ पे मैं फाइनल टीम देता हूँ, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, पहले कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वरना आप स्कैन करके और सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, Kumar5 TFC सर्च करोगे आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उसमें जाके ज्वाइन करना। बाकी देखो, आज के वीडियो में हम आपके लिए 10,000 लाइक का टारगेट रखे हैं, देखते हैं आप लोग पूरा करते हो। अगर 10,000 करते हो तो एक गिवे मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेले।